हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग घर पर बढ़िया होंगे, फिट होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियेश और मेरे साथ है तुषार। तो गाइज, आज की वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं, मैं एक पार्टनर के साथ हूँ। तो आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ अलग होने वाली है। गाइज, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनसे पुशअप बिल्कुल नहीं हो पाते, जो पुशअप बिल्कुल नहीं कर पाते, ये पुशअप रिलेटेड वीडियो है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, खासकर बिगनर लोगों के लिए जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, खासकर उनके लिए वीडियो। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप पुशअप कर सकते हैं, आपको पहले क्या परफॉर्म करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। मैं इसमें सब कुछ आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज, वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आप मिस कर देंगे कि पीछे क्या हुआ था या फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो गाइज, पूरा वीडियो को देखना है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाँ, कि कैसे आप पुशअप कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी के, बिना समय गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो सके। तो सबसे पहले मोबिलिटी है डेल्टा रोटेशन, आर्म को स्ट्रेट कीजिए। हाँ, अब रोटेट कीजिए आगे की तरफ। गाइज, स्लो करना है आपको, 30 सेकंड करना है, 30 सेकंड एक साइड, फिर दूसरी साइड करना है। जब मैं स्विच बोलूँगा, स्विच दूसरी साइड, यस। आर्म को पूरे शोल्डर के बराबर रखना है। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। नाउ नेक्स्ट, पूरा आर्म को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। अब स्विच अदर साइड, पीछे की तरफ। हाँ, ये पूरा आर्म को घुमाना है, ये आपको मोबिलाइज करेगा। 30 सेकंड दोनों साइड करना है आपको। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। नेक्स्ट है चेस्ट ओपन, आर्म को ये रखना है और चेस्ट को ओपन करना है। ये भी 30 सेकंड है। थ्री टू वन एंड स्टॉप। तो गाइज, मोबिलिटी डन। अब हम मेन वर्कआउट की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे कि कैसे सब करते हैं स्टार्टिंग में। तो आप फ्लो पर लेट जाइए। ओके, तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरे लाई डाउन हो जाना है फ्लोर पर, पेट के बल आपको लेट जाना है फ्लोर पर। तो अपने आर्म्स को आप शोल्डर से थोड़ा बाहर रखेंगे, अपने पाम को यहाँ पे रखेंगे शोल्डर से थोड़ा सा बाहर। अब फ्लोर को पुश करना है और ऊपर उठने की कोशिश करना है, कीजिए। हाँ बस, और फिर से डाउन, हाथ को पूरा छोड़ दीजिए, रिलीज, ऊपर उठाइए हाथों, डाउन, इन्हें छोड़ दीजिए, रिलीज, फिर से डाउन, रिलीज, छोड़ दो, फिर से। गाइज, इसको आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ 1 घंटे या फिर 3-4 बार परफॉर्म करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। इसे कम से कम आप 1-2 दिन तक या 3-4 दिन तक परफॉर्म कीजिए। इसे हम हैंड रिलीज पुशअप बोलते हैं। ये आपको काफ़ी बेनिफिट हेल्प करेगा, इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे आपको। ओके, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। ओके गाइज, ये हो गया पहले स्टेप। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम नी डाउन पुशअप करेंगे। सबसे पहले हमें नी डाउन पुशअप करना है। तो आप फिर से लेट जाइए फ्लोर पर, लेट जाइए। हाँ, नीज को अब अपनी बॉडी को उठा लीजिए, पूरी बॉडी को, सिर्फ आपको नीज को, आपको नीज को फ्लोर पर रखना है, बाकी पूरी बॉडी आपके ऊपर रहेगी। आपके आर्म्स, आपके हाथ शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की तरफ होंगे। तो आपको हल्का सा बॉडी को आगे पुश करते हुए डाउन जाना है। डाउन जाइए एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। तो गाइज, इस मूवमेंट को, इस एक्सरसाइज को, आपको नी डाउन पुशअप को काफ़ी टाइम तक परफॉर्म करना है, कम से कम 10 से 15 दिन तक, 5 से 10 दिन तक। जब आपको लगेगा कि ये मेरे लिए काफ़ी जो रहे हैं, मैं इसमें अच्छे से 20 तक रैप आसानी से निकाल पा रहा हूँ, तो फिर आपको क्या करना है, स्टॉप। उसके बाद आपको नीज को उठा देना, नीज को ऊपर उठाइए। अब आप नॉर्मल पुशअप करेंगे। आर्म्स को आपको एक बार फिर से, आर्म्स को थोड़ा सा शोल्डर से बाहर रखना है, शोल्डर के बिल्कुल नीचे नहीं रखना है, थोड़ा सा बाहर रखना है, तभी उसमें हम चेस्ट को टारगेट कर पाएंगे। अब डाउन जाइए, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप एंड स्टॉप। ओके, स्टॉप। तो गाइज, ये थी वीडियो। आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने आपको हैंड रिलीज पुशअप बताए थे। अब आप हैंड रिलीज पुशअप में सिर्फ आपको बॉडी को डाउन करना है, पुश को फ्लोर
फ्लोर को पुश करना है, फिर ऊपर उठना है, फिर से डाउन जा रहा है, फिर से फ्लोर को पुश करना है, ऊपर उठना है। आप उसी एक्सरसाइज को ठीक था कम से कम 10 दिन तक ट्राई कीजिए, जब तक आपको लगे कि हाँ मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। उसके बाद आपको नी डाउन पुशअप करने, नी को सिर्फ डाउन करना है, उसके बाद आपको अपर बॉडी को डाउन करना है और फिर अपना है। अपर बॉडी को डाउन तब तक करना है जितना आप कर सकते हैं, फिर आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन करना है, पूरे नीचे डाउन जाना है, उसके बाद ऊपर आना है। फिर आपको यही मूवमेंट कम से कम 10 से 15 दिन परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको नॉर्मल पुशअप पे आना है। धीरे धीरे आप नीज को उठाएंगे, उसके बाद पूरी बॉडी को डाउन करेंगे और अप करेंगे, पूरी बॉडी को डाउन करेंगे और अप करेंगे। तो गाइज यही था आज की वीडियो में, तो आई होप गाइज आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना सकता हूँ। तो गाइज थैंक यू सो मच आप सभी का। सो